मनुष्य का जीवन काल दो प्रकार से कटता है, एक जागते हुए, दूसरा सोते हुए। आमतौर से लोग दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं। सोना जरूरी भी है क्योंकि बिना उसके शारीरिक और मानसिक थकान नहीं मिटते। दिन भर काम करने से जो शक्तियाँ व्यय होती है उसकी क्षति की पूर्ति के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है। रात्र भर सोकर जब मनुष्य प्रातःकाल उठता है तो उसमें स्फूर्ति और सादगी होती है, काम करने की नई क्षमता उसमें आ जाती है। यदि दो चार दिन भी लगातार न सोया जाए तो इतनी थकान हो जाएगी कि जीवन यात्रा का चलना तक दुर्लभ दिखाई देगा। जिस प्रकार सोना जरूरी है उसी प्रकार जागना भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं जागृत अवस्था में होते हैं। निर्वाह और विकास की समस्त कार्य प्रणाली जागृत अवस्था में ही होती है। यदि निद्रा ही प्रधान रूप धारण कर ले और जागरण कम हो जाए तो भी जीवन में विकट संकट उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार गहरी निद्रा में सोने से थकान पूरी तरह से मिट जाती है और नई प्रफुल्लता पैदा होती है, उसी प्रकार पूरी तरह जागृत रहने से जागृत जीवन की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहती है। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो जागृत अवस्था में भी सोते रहते हैं। उनके मस्तिष्क का एक अंश जागृत रहता है और शेष भाग सोता रहता है। इस अर्धमूर्छित अवस्था में रहने वाला मनुष्य एक प्रकार से लुंज हो जाता है। उसकी दशा करीब करीब अर्धविक्षिप्त की सी, भुलक्कर बालक की सी एवं अपाहिज की सी हो जाती है। यह जागृत तंद्रा का रोग ऐसी भयंकरता में फैला हुआ है कि आजकल अधिकांश मनुष्य इसके शिकार मिलते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पाठक अविश्वास न करे, सचमुच ही यह रोग बड़े भयंकर रूप में फैला हुआ है। अधिकांश जनसमूह इससे ग्रसित हो रहा है। इस रोग का रोगी देखने में अच्छा भला, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा और भला चंगा मालूम पड़ता है। शारीरिक दृष्टि से इसकी तंदुरुस्ती में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता, फिर भी जागृत तंद्रा के कारण उसके जीवन का सारा विकास रुका हुआ होता है। उसकी सारी प्रतिष्ठा एवं साख नष्ट हो जाती है और जिम्मेदारी के साथ होने वाले सभी महत्वपूर्ण कार्यों से वह वंचित हो जाता। जागृत तंद्रा के तीन दर्जे हैं, उन तीनों के पृथक नाम भी हैं। पहला लापरवाही, दूसरा आलस्य, तीसरा प्रमाद। तीनों ही दर्जे क्रमशः अधिक भयंकर एवं घातक है। कहने और सुनने में यह तीनों बहुत ही मामूली बातें प्रतीत होती है, किंतु अधिकांश लोग इनसे ग्रसित होते हैं। पर अधिकांश लोग किसी विशेष बात से ग्रसित होते हैं, इसलिए उनकी भयंकरता कम नहीं होती। अधिकांश लोग झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, संयम से रहित होते हैं, कुष्ठबद्ध या प्रमेह आदि रोगों से ग्रसित होते हैं, पर इससे मिथ्या भाषण, असंयम, नशेबाजी, कब्ज या प्रमेह की भयंकरता कम नहीं होती। यह घातक तत्व जहाँ रहते हैं वहाँ भयंकर परिणाम उत्पन्न किए बिना नहीं रहते। यह सुनिश्चित तथ्य है कि जिस कार्य को मनुष्य पूरी दिलचस्पी के साथ जागृत मन से ध्यान पूर्वक करेगा वह कार्य ठीक, निर्दोष और सुंदर होगा। इस जागृति एवं दिलचस्पी की जितनी कमी होगी उतना ही फुहर रह जाएगा और भूले होंगी। घोड़ा कितना तेज चलता है उतने ही तेजी से तांगे का पहिया घूमता है। पहिया स्वतंत्र रूप से नहीं चलता,
उसकी गति घोड़े की चाल पर निर्भर होती है। घोड़ा मंद या तीव्र जैसी चाल से चलता है, उसी गति से तांगे का पहिया घूमने लगता है। मन की कार्य में जितनी रुचि होगी वह उतने ही अच्छा बन पड़ेगा। यदि घोड़ा एब ले आवेगा तो तांगे की चाल रुक जाएगी, यात्रा देर में पूरी होगी। बैठने वाले को कष्ट होगा और हर घड़ी खतरा बना रहेगा। यही हाल दिलचस्पी की कमी के साथ किए जाने वालों कौमों का होता है। वे भी अनेक प्रकार के दोषों से भरे हुए होते हैं। क्रिया पद्धति के साथ पूरी दिलचस्पी का ना जोड़ना जागृत तंद्रा का प्रमुख लक्षण है। इस अवस्था में किए हुए कार्यों का ठीक प्रकार पूरा होना असंभव है। जिस वक्त कोई व्यक्ति झपकियां ले रहा हो, उस समय उसे एक रेखा गणित का प्रश्न हल करने को दिया जाए तो वह उसे सही रूप में हल न कर सकेगा। इसी प्रकार जो आधे मन से अर्ध जागृत अवस्था में कार्य करता है, वो अपने सामने रखे हुए कार्यों को भली प्रकार कैसे पूरा कर सकेगा। इस प्रकार की अधूरे मन के साथ की हुई कार्य प्रणाली को लापरवाही, असावधानी, आलस्य एवं प्रमाद कहा जाता है। हर काम को सफल बनाने के लिए दो बातें का ध्यान रखना मुख्यतः जरूरी है। एक यह कि इस कार्य को उत्तमता के साथ पूरा किया जाए, दूसरा यह कि कहीं यह कार्य खराब न हो जाए। सफलता का लोभ और असफलता का भय, इन दोनों वृत्तियों का समन्वय ही जागरूकता है। जैसे गर्म पॉजिटिव और ठंडे निगेटिव तारों को मिलने से बिजली की धारा का संचार होता है, वैसे ही उपर्युक्त लोभ और भय का ध्यान रखने से मानसिक जागरूकता उत्पन्न होती है। यह जागरूकता सतेज होकर शरीर और मस्तिष्क की काम करने वाली शक्तियों को संगठित और संयोजित करके सुव्यवस्थित रूप से कार्य में प्रवृत्त करती है, तब वह कार्य सफल हो जाता है। परंतु जब मनुष्य असफलता की लज्जा को भूल जाता है, सफलता की गौरव को अपेक्षा करने लगता है, तब उस जागरूकता विद्युत शक्ति का संचार नहीं होता। नारियां शिथिल पड़ जाती है, कार्यकारिणी शक्ति मंद हो जाती है, सामने पड़ा हुआ काम पर्वत के समान भारी प्रतीत होती है। उसे करते हुए मन में स्फूर्ति नहीं उठती, वरन बेकार के भार की तरह झुझलाते हुए उसे पूरा किया जाता है। जब उस कार्य में रस नहीं आता तो उसके बिगाड़ सुधार की बारीकियों को मन से नहीं किया जाता। फलस्वरूप कार्यकाल में वे बातें सूझ नहीं पड़ती कि कहाँ बिगाड़ करने वाली भूल हो रही है और क्या सुधार करने वाली गतिविधियाँ छूटी जा रही है।